hello students uh, so in this video i'm going to explain poem number 5 which is the jungle so students firstly i'm going to explain uh, sorry i'm going to recite and uh, the poem thoroughly then after i will explain uh, this poem paragraph wise okay students so let's get started far away in the jungle where the green grass grows, lived families of manors, their nest in rows. They were friends and foes who played and fought for fun, but when it came to the enemy, they stood together as one. One morning they were surprised a stranger creature there we find. Loud, noisy, and strange, scary ways, a being like that seemed a ferocious kind. Eager to befriend the new and excited bunch towards it, flew. But lo and behold, what did, what did they see? The creature cutting their homes on trees. So sadly, the manas flew very far away and have not returned to this very day. Now, where the green grass once grew stands a cement jungle with birds very few. Okay, so that is the whole uh, poem, and who is the poetess of this? Uh, पोएम इज़ मालिनी जोशी ओके ना स्टूडेंट्स लिसन इट केयरफुली आई आम कौन एक्सप्लेन द पोएम सो लेट गेट स्टार्ट इट फार अवे इन द जंगल्स वेर द ग्रीन ग्रास ग्रोव लिव फैमिलीज ऑफ मैनर्स दे आर नेस्ट इन नोस तो जो पोएट्रेस है मालिनी जोशी जी वो क्या कह रही हैं वो बताती है कि जंग घने जंग एक जंगल ऐसा है जिसके कि बीचों बीच या जंगल के अंदर जाके वे वेद ग्रीन ग्रास गोस एक ऐसी जगह जहाँ पे कि क्या हरे हरे घास उगते थे वहाँ पे कौन रहता था लीव्ड फैमिलीज़ ऑफ मैनास मैना कौन है मैना एक तरह की वर्ड है एक तरह का चिड़िया ठीक है उनकी पूरी फैमिलीज़ रहती थी ठीक है और उनके घर कैसे हुआ करते थे रोज़ में मतलब रो वाइज़ पेड़ बट ऑबियस है कि अगर वो चिड़िया हैं तो वो कहाँ पे घोंसला बनाएंगे वो किसी पेड़ पे ही घोंसला बनाएंगे तो जंगलों में क्या होता है बहुत सारे पेड़ होते हैं ठीक है और उन्हीं पेड़ों में जो है वो घोंसला बनाया करती थी या घोंसला बनाया बनाया था उन्होंने बट वो पेड़ कैसे थे वो रो वाइज़ पेड़ थे तो इस तरह से क्या है इनका जो घोंसला था वो भी क्या हुआ वो रो वाइज था ठीक है एक के बाद एक एक के बाद एक काइंड ऑफ लाइक दिस ओके ओके सो होप आपको ये फर्स्ट uh, पैरा समझ में आया होगा नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट दे देवर फ्रेंड एंड फोज ठीक है वो क्या थे वो दोस्त भी थे और फोज मतलब क्या होते दुश्मन काइंड ऑफ दुश्मन क्या होता है हमारे साथ कभी कभी हम uh, जो फ्रेंड uh, होता है हमारे कभी कभी क्या होते हैं उनसे uh, रहते रहते झगड़ा हो जाता है तो टाइम कुछ समय के लिए हम उनको क्या बोलते हैं दुश्मन बट एक्चुअल में वर नॉट दे आर नॉट एक्चुअली एनिमीज़ ऑफ आर बट फिर भी हम बोलते हैं तो उस तरीके से एक्चुअली दे आर फ्रेंड्स ठीक है वो दोस्त हैं लेकिन कुछ समय के लिए वो क्या है दुश्मन है इस तरीके के जो होते हैं उनको फोज बोलते हैं ओके सो देर फ्रेंड्स एंड फोज़ हु प्लेड एंड फोट फॉर फन सी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना हु प्लेड बुक साथ में खेलते भी थे और झगड़ा भी करते थे फॉर फन सिर्फ फ़न के लिए मज़े के लिए बट वैन इट केम टू द एनिमी दे टुट टुगेदर एज वन बट वेन इट केम टू द एनिमी मतलब यहाँ पे जब वो असल में कोई दुश्मन जब आ जाता है तो वो क्या हो जाए एक साथ हो जाते हैं यहाँ पे एनिमी से आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं लाइक आप आ, आ, कोई हंटर कोई शिकारी या फिर कोई दूसरा एनिमल जो कि उनको हार्म पहुंचाए इस तरह का को, कोई जब भी, भी होता है तो वो क्या होते हैं वो एक हो जाते हैं एकजुट होकर उस एनिमी का क्या करते हैं सामना करते हैं ठीक है ठीके? तो एक बार फिर वन मोस्ट टाइम आई विल लाइक टू एक्सप्लेन ठीक है फार अवे इन द जंगल देर वर देर Uh, where the green grass grows lived family of manas, their nest in rows. They were, uh, they were friends and foes who played uh, uh, and fought for fun, but when it came to the enemy, they stood together as one. इसका मतलब दूर एक जंगल में जहाँ पे कि हरे 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 घास उगते थे वहाँ पे क्या है मैनास की फैमिली फैमिली रहने रहती थी और उनके घर कैसे हुआ करते थे उनके घर रोज में हुआ करते थे पंक्तियों में हुआ करते थे और वो क्या थे वो दोस्त भी थे और उसमें कुछ दुश्मन भी थे और वो क्या करते थे आपस में खेलते और लड़ाई भी करते थे लेकिन किस लिए मज़े के लिए लेकिन जब असल में कोई दुश्मन आता था तो वो एक साथ खड़े हो जाते थे और उस दुश्मन का क्या करते थे सामना करते थे सो स्टूडेंट दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे ओके दिस मार्केट ऑन ओवर देयर ओवर यर सॉरी ओवर ईयर एंड आई विल एक्सप्लेन I will explain uh, the rest of the poem in uh, next day.